हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और वी कुड से इट्स अ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड वी आर गोइंग टू डू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। इसके रिटर्न नोट जो है आपको मेरे ब्लॉग के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगे। इवन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है दैट विल आल्सो बी अवेलेबल एट माय ऐप एडिसन ऐप। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसन ऐप एंड दिस इज माय मोबाइल नंबर 7973179091। जो मेरी ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो ऐप है दैट डील्स विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और टेस्ट शेयर किए हुए हैं। मैथडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशंस आर देयर, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज समराइज नोट्स दे आर शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर जो कोर्स है वो भी इसके ऊपर अपलोडेड है, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसका भी लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्यों, व्हाई डू वी रिक्वायर डिसीजन मेकिंग, क्यों इसकी नेसेसिटी है? अरे भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसके बहुत सारे क्या है ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब जैसे घर के अंदर दूध ही है तो दूध को हम एज ए दूध भी पी सकते हैं, दूध को हम उसका कुछ मिठाई वगैरह भी बना सकते हैं। तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है, जैसे फंड्स हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हम एक चीज एक ही कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, तो इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, और जिसकी वजह से हमें ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना पड़ता है, एवेलुएट करना पड़ता है, फिर उसके बेसिस पे वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड देन वी हैव टू टेक द डिसीजन मेकिंग। तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट लगाना है तो ए कमोडिटी का भी लगा सकते हैं, बी का भी लगा सकते हैं, इवन ये भी हो सकता है कि ए जगह पे भी लगा सकते हैं, बी जगह पे भी लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो वी आर गोइंग टू एनालाइज दोज ऑप्शंस, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम, कि जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके अंदर हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो जिसकी वजह से वी हैव ए चॉइस, तो जिसकी वजह से कौन सी चॉइस जो है हमें ऑप्टिमम रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी, तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जैसे रिसोर्सेज मैंने आपको बताया बहुत लिमिटेड है तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो वहां पे हमें डिसीजन ऑप्टिमाइज, कई सही डिसीजन हम किस तरह से ले सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग, Stancer and Sleeman has defined the decision making, managerial decision making may be defined as the process of selecting one alternative from two or more alternative course of action. तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं उसके अंदर से हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव किस तरह से सिलेक्ट करना है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम, कि जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन हमने किस तरह से निकालना है। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कब होती है, देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑप्शन है, जो भी हमारे पास चॉइस है, उसके अंदर से हमने बेस्ट चॉइस जो है करनी है। डिसीजन मेकिंग ह्यूमन एक्टिविटी है, बंदे की नेचर क्या है, बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, बंदे का टेम्परामेंट क्या है, उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग टिका होता है कि वो किस तरह से डिसीजन लेता है। और डिसीजन मेकिंग सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि इसके अंदर हम, जैसे मैंने डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली मैं अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई विल बी एनालाइजिंग दो सिचुएशन, जिसके बेसिस पे आई विल बी टेकिंग द डिसीजन। और उसी तरह इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट भी हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्फ्लुएंस करता है। और सेकेंडली टाइमिंग ऑफ द डिसीजन इज वेरी सिग्निफिकेंट,
जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो तो वहां पे अकाउंट्स का टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उस सेमेस्टर के अंदर ही अकाउंट्स का टीचर आपको प्रोवाइड करना चाहिए। सेमेस्टर खत्म हो गया, अकाउंट्स का टीचर तब क्या है, तो कोई यूज नहीं है। सो टाइमिंग ऑफ द डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द प्रोसेस डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर सबसे पहले देखो जो डिसीजन मेकिंग है, तो पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसके पीछे हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, दैट शुड बी क्लियर, उसके साथ वेगनेस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बेसिस पे वी डिफाइन द प्रॉब्लम कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो भी हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनका प्रो एंड कॉन स्टडी करते हैं, इवन जो हमारे ऊपर इनपुट सारी चीजें जो कंस्ट्रेंट्स होती है उनको भी एनालाइज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर इसका हम फॉलोअप करते हैं कि जो डिसीजन हमने लिया था वो सही है कि नहीं है। डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, प्रिडिक्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, selecting the best possible solution and implementing the decision making. So Herbert Simon कहते हैं कि जो decision making के अंदर जो primary activities हैं, पहले तो हमें situation जो कहते हैं कि we have to take the decision, finding the against for making decision कि this is the right situation, here we have to take the decision. फिर possible action हम क्या ले सकते हैं, फिर जो भी possible course of action है उसके साथ cost और benefit क्या जुड़ा हुआ है, और उसी के basis पे हम देखते हैं कि जो best option है जिसके basis पे हम अपने goal को achieve कर सकते हैं, that decision we have to take. Primary function of decision making is the evaluating the implication of the alternative and selecting the best course of action. जब हमारे पास बहुत सारी choices होती हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसके कॉस्ट क्या होगी, बेनिफिट क्या होगी, तो डेफिनेटली इवैल्यूएशन के बाद वी टेक द बेटर ऑप्शन, वी चूज द बेटर ऑप्शन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन, इंपॉर्टेंस इन प्रोडक्ट मेथड, इंपॉर्टेंस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिसीजन, इंपॉर्टेंस इन प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंस इन टेकिंग द लोकेशनल डिसीजन, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। बिकॉज जो प्रोडक्ट डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर नया यूनिट लगाना है तो कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, कौन सी सर्विस हम रेंडर करें, हमारा कस्टमर कौन सा होगा, तो प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर we are taking this decision. अगर establish है तो किस तरह से हम इसके अंदर innovation add कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर variety add कर सकते हैं, अगर multiple products है तो कितने unit हमने A के बनाने हैं, कितने unit B के बनाने हैं, क्या हमारा product mix होना चाहिए। Product method decision के अंदर भी it plays a very vital role. किस तरह के inputs हमने use करने हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, किस तरह की प्रोडक्शन टेक्निक्स हमने यूज करनी है ताकि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा डाल सके। प्राइस एंड क्वांटिटी डिसीजन, अब देखो यहाँ पे कितना आउटपुट हमने बनाना है, प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम चीजें बेचते हैं तो वहां से हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो प्राइस क्या रखनी है, प्राइसिंग के अंदर क्या वेरिएबल्स हमने चेक करने हैं, क्या हमने मार्केट के हिसाब से रखनी है, कितना मार्जिन लेना है, तो डेफिनेटली वो डिसीजन भी लेना पड़ता है। अब ऑब्वियसली हम जो मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं वहां पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो किस तरह से हमने उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, पब्लिसिटी करनी है, क्योंकि वहां पे भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया यूज कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैम्फलेट्स के द्वारा कर सकते हैं, टीवी के अंदर दे सकते हैं, पर टीवी के अंदर भी देखो कितने सारे सीरियल्स, कितने सारे चैनल्स हैं, तो किस चैनल पे हमने किस टाइम स्लॉट पे देनी है, तो प्रमोशन स्ट्रैटेजी के अंदर वी हैव टू टेक द डिसीजन। उसी तरह लोकेशनल डिसीजन कि हमने अपना यूनिट कहाँ पे सेटअप करना है, रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल हो, मार्केट नियर हो, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो यहाँ पे हमारा यूनिट कहाँ पे लगेगा, वो सारी चीजें, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने कितनी यूज करनी है, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर मैनेजर जो डिसीजन लेती है दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। हेनेस एंड हैरी कहते हैं कि मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के अंदर देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जनरली जो डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कौन सा प्रोड्यूस करें, कौन सा इनपुट यूज करें, कौन सा प्रोडक्शन टेक्निक हम यूज करें, और उसी तरह क्या है कि कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है, क्या प्राइस हमने चार्ज करनी है, हमारा जो प्लांट है उसकी ऑप्टिमम साइज क्या है, कितने कैपेसिटी हमने यूज करनी है, क्या लोकेशन है, कैसे लेआउट है, और किस तरह से जो हमारे पास फंड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं उनको हमने प्रॉपरली एलोकेट
करना है. तो इसके साथ ही जो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट है दैट ऑल्सो प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. देखो कई चीजें हम करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज करेंगे तो इसका आउटकम ये होगा, सर्टेनिटी. देखो कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि अगर ये चीज करेंगे तो उसका आउटकम हमें क्लियर होता है कि इट विल हैपन, दिस विल हैपन. ठीक है, इसमें हमें इन्वायरमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होती है तो वहां पे हमें डाउट नहीं होता कि अगर ये चीज करेंगे तो इसका रिजल्ट यही निकलेगा. तो उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होती है मार्शलिज्म एंड लीनियर प्रोग्राम. रिस्क के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर ये चीज करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 20 है, ये चीज करेंगे तो 70. तो यहाँ पे हमें क्लियर कट नहीं पता होता कि ये आउटकम निकलेगा. तो यहाँ पे हम टेक्निक ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं, अननोन होता है कि अगर ये चीज करेंगे तो ये भी नहीं पता होता कि इसका आउटकम क्या निकलेगा. तो यहाँ पे भी हम टेक्निक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव और पॉसिबल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं ताकि हम देख सके कि अगर ये डिसीजन करते हैं तो क्या चांस है इसका ये अकर होने का. तो अनसर्टेनिटी को भी हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. तो जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है कि जो आउटकम है सर्टन है, रिस्की है, अनसर्टन है, वो सारी चीजें जो है उनको भी हम एनालाइज करते हैं. तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है दैट इज फिनिश. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल. और उसी तरह क्या है कि आप